एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह हो गई और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं दीदी के पास हूँ। आज भी मैं मतलब अभी हम निकल जाएंगे। अभी मैं उठ के तो थोड़ा बाहर आई थी, तो बाहर का थोड़ा वेदर देख रहा है। पूरा मौसम आज साफ है, अच्छे से धूप निकली हुई है और अभी मूवी दे तो है। चलो वो तो अलग सा पार्ट हुआ है। और यहाँ से ये देख सकते हो पीछे क्वार्टर्स में रहते हैं जो जो NHPC में है ना, तो यहाँ पे वो क्वार्टर में रह रहे हैं। तो पार्किंग है, वो सामने पहाड़ जैसे हैं और यहाँ का ज़्यादा एरिया मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं मिलाती हूँ दीदी से, देखते हैं क्या क्या काम चल रहा है उधर अंदर जाके। और इस रूम में हम सोए थे और दूसरे रूम में वो सोए हैं, दूसरे रूम में चलते हैं। गाइस, दीदी सुबह का ब्रेकफास्ट शुरू करके ये रहे परांठे और ये रहा मटेरियल। बहुत बढ़िया परांठे बन रहे हैं। ये रहे मास्टर शेफ को देख रहे हैं। यहाँ पे ये मुझे देख है यहाँ पे, और यहाँ का एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, जो बुडा लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है। और मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है, बाकी पढ़ा ही था, देखा मतलब नेट पे देखा था, रियल में आज फर्स्ट टाइम देखी हूँ। और आप भी देख लो, कल काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी इस लेक के बारे में, बट फिर मेरे को ध्यान आया तो मैंने देखा कि है क्या बुडा लेक का, मैंने कुछ और ही बना दिया था तो उसके लिए सॉरी। तो ये बुडा लेक है, अभी हम वहाँ से निकले, अब हम जा रहे हैं आगे के लिए। तो अभी आगे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो वो हम आपको दिखाते जाएंगे, तो मिलते हैं आगे। और गाइस, यहाँ हम आए थे, यहाँ पे मनसा वर्ल्ड पार्क भी है और यहाँ पे ये टेम्पल दिखा है। तो मैंने छोटे छोटा जो मेन मेन चीज़ें यहाँ के कश्मीर में आके, तो उसके मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे पुराने जो थे वो यहाँ पे पूजा करते थे, आई डोंट नो क्या क्या करते थे। और यहाँ पे फिशेस देखो गाइस, कितनी प्यारी फिशेस हैं, बिल्कुल साफ पानी है। यहाँ पे कुछ वैसा गंद वंद वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम साफ पानी है। फिशेस सामने दिखते हैं वो चाहे हो, और क्योंकि इस बार तो मैं किसी भी टेम्पल में गई नहीं थी, तो ये मेरा फर्स्ट टेम्पल है यहाँ पर मैं आई हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, वेदर भी एकदम अच्छा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और मैं यही सजेस्ट करूँगी जब भी आप आओ तो यहाँ पर सीख लो। गाइस ये पढ़ लो आप टेम्पल के बारे में सब कुछ। गैस ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको इसका पूरा नॉलेज लग जाए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है इस जगह के बारे में और इतना मैं बता नहीं पाऊँगी, इसलिए जो यहाँ का मेन बोर्ड होता है इसलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको वो सब पता चल जाए। और शायद अंकल कहाँ से आए, हाय अंकल कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से, छत्तीसगढ़, ओके हम जम्मू से आए हैं। तो अंकल यहाँ बाहर से भी घूमने आए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और चलते हैं अभी हम आगे थोड़ा सा। एंड गाइस यहाँ पे शिकारा बोट्स एंड ऑल सब कुछ है, अगर आपको बोटिंग वगैरह करनी है तो आप वो यहाँ कर सकते हैं। बट खाने के लिए भैया कुछ खाने के लिए नहीं है यहाँ, यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपका गाइस, इससे आप सारी कर सकते हो, ठंडी ठंडी हवा खाओ बस आके। हम चलते हैं आगे गाइस। दो दिन से हेड वॉश ढूंढ रही हूँ मैं करने के लिए, कहीं जाके मुझे मिले। हम आए हैं टुलिप गार्डन। तो टुलिप गार्डन जो है आपको पता ही है ये मार्च में ही ओपन होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टुलिप फ्लावर लगे हुए हैं और कोई भी फ्लावर नहीं होगा यहाँ पे दिखाने के लिए। और अब आप रेडी हो टुलिप देखने के लिए और मैं आपको टुलिप दिखा दूँ। ये देखो गाइस टुलिप ही टुलिप, गाइस ये रेड कलर, गाइस रेड पिंक, वहाँ पे येलो ऑरेंज और पिंक, ये वाले अभी पर्पल आने हैं, अभी आए नहीं है। गाइस ये देखो ये है पर्पल कलर, वाइट येलो और वो ये देखो रेड कलर, ये रेड कलर। हाय मोहिनी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहले भी अच्छा लगा था, आज भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मज़ा आ रहा है, इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे फ्लावर्स देखो कितने कलरफुल फ्लावर्स हैं,
और सारे के सारे टुल्ली पर ऐसा कोई इंतजार नहीं होगा कि कोई और उठा के लगा दी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टुल्ली की टुल्ली का बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे अपना लाभ दे रहे वहाँ पे बड़े सारे वो होंगे, क्या बोलते हैं उसको, फुहारे फुहारे होंगे, वो दिखाएंगे हम आपको आगे जाके। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, मतलब कि इसमें ना मेरे को चार पांच कलर ही दिखे हैं, एक रेड वाइट ग्रीन नहीं है सॉरी रेड वाइट येलो पर्पल पीला भी है, पीला येलो बोल दिया ना, बस यही कलर दिखे मुझे। और कुछ ना बीच में कुछ उगे भी नहीं अभी अच्छे तरह से, मुझे लगता है थोड़े पाँच छः दिनों के बाद शायद ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। इन्होंने वो साफ नहीं किया अभी इसे, और ये बीच से साफ ही नहीं किया है इन्होंने, गलत बात है, जो मतलब ये तो एक बिल्कुल साइड पे है ना कोना है, जो सामने सामने वहाँ पे काफ़ी अच्छे किए हुए हैं, साफ सफाई बिल्कुल ओके है। और यहाँ से अब हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ ऊपर जैसे थोड़ा ना काफ़ी अच्छा वो चल रहा है तो हम जाएंगे शायद ऊपर, जैसे अगर मैं पहुँच गई तो, अगर मैं थक गई तो फिर हम नहीं जाएंगे, अगर मैं ठीक रही तो थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, तो ऊपर जाके दिखाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा। मैं वहाँ पे गई नहीं, पहले भी आए थे तो हम ऊपर तक गए नहीं थे, तो इधर ही घूम के फिर यहाँ से वापस चले गए थे, अब देखते हैं हम ऊपर तक जाएंगे तो फिर आप लेके देखते हैं। इस मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे सिर्फ टुलिप ही टुलिप लगे, लेकिन आज सब मैं गलत हो गई, यहाँ पे सिर्फ टुलिप भी लगे और यहाँ पे ये भी लग रहे हैं, ये पता नहीं कौन से है लेकिन ये इसका नाम नहीं पता मुझे ये है कौन से है, बट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये सारे गोल गोल करके लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी कलरफुल लगाए हुए हैं, मतलब जिसमें वाइट कलर है ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो देखो सही। और जैसे मैं आपको बोल रही थी कि जहाँ पे वाइट लग गया गोल गोल तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं वाइट पिंक और ये ब्लू, ब्लू नहीं है ये पर्पल कलर है, ये लगा मेरे इससे काफ़ी अच्छी ग्रेस बन रही है इससे। और एक ये ऐसा पार्क जैसा है जिसमें सिर्फ यही लगे हुए हैं, टुलिप टुलिप नीचे लगे हैं, यहाँ पे कुछ और लगा हुआ है और ऊपर फिर से टुलिप लगे हुए, ऊपर जा रहे हैं अब। यहाँ मुंगनी मेरी बड़े एंजॉय कर रही है, यहाँ पे रील बना रही है, फोटो बना रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। और यार अब यहीं से देख लो, वो दिखाने जा रही थी जब मैं ये जूम कर रही थी, ये देखो इतनी ऊपर तो मैं जा नहीं पाऊँगी, ये एकदम नीचे आ रहा है फिर एकदम ऊपर जा रहा है, ये चलो ऊपर, ये देखो अब मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हर वैरायटी मिलेगी, अलग अलग किस्म के ये फ्लावर्स हैं, रोज इधर सारे हैं, कलर टुलिप हैं, और भी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं, ये देखो गाइस यहाँ पे ना ये जब हम आउट होते हैं बाहर की तरफ तब इन्होंने लगाए हुए, ये देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो। यहाँ देख सकते हैं ये ऐसे लग रहा है जैसे बटरफ्लाई होती है, ये देखो बटरफ्लाई की तरह लग रहा है ना, हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये सबसे इनका सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे सबसे अच्छा डेकोरेट किया हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे ये देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ से एग्जिट है देख सकते हैं यहाँ से बाहर जाने का, और यहाँ भी टुलिप वगैरह लगे हुए हैं सारे, देख मज़ा आ गया, रेड येलो पिंक ऑरेंज एंड रेड दे लगी जो मुड़ा घर भी लगी लाने नहीं लाने तुसा घर लेई गए। वैसे ये देखो ये कितना प्यारा बनाया है, वाइट पूरा उधर पूरा येलो, जितना वो देखना सेल्फी पॉइंट, मुंगनी को खानी है बेलपुरी, नहीं नहीं ये हमारी बेलपुरी
यम गाइस, यहाँ देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे मे भी रात को लाइट भी होती है पता नहीं, बट दिन में मुझे दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूँ। ये डल लेक में है ना ये लगा हुआ है, काफी प्यारा लगता है इसका व्यू, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिखा दूँ आपको।